जो बात चेतन कह रहे हैं, केंद्र के पास बहुत ताकत है, केंद्र फैसला ले ले। अगर एलजी इस फैसले को पलट देते हैं फिर क्या कहा जाएगा कि राज्य सरकारों को फैसले नहीं लेने दिए जा रहे, यही कहा जाएगा ना। मुझे सिरसा जी, मुझे 30 सेकंड दे देना, उसके बाद अगर इनके पास मेरे किसी सवाल का जवाब रह जाए तो बोलिए सर, बोलिए। मुझे एक सवाल इनसे पूछ लेने दो। गुरु गोविंद सिंह जी जब जंग में लड़ाई लड़ रहे थे, तो भाई कन्हैया जी एक उनके सिख थे जो मरम और पट्टी लगाते थे, मरम पट्टी लगाते थे और पानी पिलाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के सिख आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पास और आके कहते हैं कि ये भाई कन्हैया जी कौन है, ये तो हमारे दुश्मन है। बोले दुश्मन कैसे हैं? बोले जिनको हम लड़ते हैं उनको हम काट फाट कर फेंक के आते हैं, ये उनको जाके पानी पिलाते हैं, मरम लगाते हैं और वो फिर हमसे लड़ने आ जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी को बुलाया, उन्होंने कहा गुरु जी मुझे तो ये सारे भगवान का रूप एक जैसे ही दिखते हैं, मुझे तो कभी दिखता ही नहीं है दुश्मन है या दोस्त है। मैं तो ये कहूंगा हम सीखें, अगर पाकिस्तान का भी कोई कोरोना इन्फेक्टेड आ जाए हम आप उसको ये नहीं कह सकते तेरा इलाज इस मुल्क में नहीं हो बहुत सकता। बहुत बड़ी बात कही सर, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। आप, सर बहुत आप बड़ी बात कही, देखिए हमने कितने हजार लोगों के दिल दुखा दिए हैं, एक 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 बहुत बड़ी बात कही है। इतना भारी शब्द है, मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की छाती के ऊपर इतना बड़ा बोझ बन जाएगा ये शब्द का बोझ। नहीं सर, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि एक ऐसे समय में जब लोगों को ये डर लग रहा है, सुनिए चेतन एक मिनट, मैं अकील खान के पास जा रही हूँ, मैं अकील जी और सुदेश वर्मा को लूंगी। सुनिए अकील जी, पहले मेरा सवाल सुनिएगा। सिरसा जी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इलाज का हक सबको है, कोई पाकिस्तान से आ जाए तो हम उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि जान बचाना मानवता है। ऐसे समय में हम राज्यों की सीमाओं के अंदर सिमट कर रहेंगे क्या? देखिए सुचरिता जी, जी सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी हॉस्पिटल्स हैं उसमें अलाउड है पूरे इंडिया के कोई भी लोग आकर के। सर उन पर तो फैसला आपका लागू नहीं होता ना सर, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट है हेल्थ केयर की ऊपर, दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात कीजिए ना जिन पर ये फरमान लगाया है, तो यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ वैसे नहीं हो गई है। बाहर दूसरे स्टेट के अंदर इन्होंने 5 साल के 500 साल में ध्यान नहीं दिया है अपने हेल्थ केयर के ऊपर। अकील जी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात कीजिए जिन पर ये फरमान लगाया आपने, फिर आप केंद्र सरकार के अस्पतालों को आगे कर बचना चाह रहे हैं इस फैसले से। 27,000 से ज्यादा आप उन्हें आगे क्यों कर रहे हैं? पहला आप बार बार केंद्र सरकार के अस्पतालों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? एम्स पर सबका हक है सर, उस पर वैसे भी आपकी नहीं चलेगी। आप अपने अस्पतालों की बात बताइए, दिल्ली सरकार के अंडर जो आते हैं उन पर यह फरमान क्यों लगाया, मैं ये पूछ रही हूँ। एक पैसा नहीं दिया है आपदा राहत कोष में डेंटल ने दिल्ली को, और ये बात सही है कि दिल्ली के सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे। ये काम करने वाले एलजी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी आज बीमार पड़ गए हैं, काम कर रहे थे वो, लोगों से मिल रहे थे, ये एलजी क्या है घर में एयर कंडीशन बैठ करके सोते रहते हैं सर, ये क्या काम कर रहे हैं सर? सुनिए सर सुनिए, ये दिल्ली द्रोही है सर, सुनिए हम चाहते हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि सब काम करें सर। नए पैसा नहीं दिया है सर, अच्छी बात है ना अगर काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का दायित्व है काम करना भाई, एक मुख्यमंत्री का दायित्व है काम करना, इसीलिए चुने जाते हैं वो, तो इस पर इसको गिनाने की क्या जरूरत है कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? हर मुख्यमंत्री को काम करने के लिए ही चुना जाता है सर, बैठने के लिए नहीं चुना जाता, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री को काम करना ही चाहिए, करना पड़ेगा वरना चुने नहीं जाएंगे, जनता बता देगी बाहर का रास्ता। बीजेपी है सुदेश जी, मोच पर सरकार है, सुनिए सुनिए मोच पर सरकार ने आपने अपनी बात कही उसको भी दिखाइए ना। सुदेश जी ये कह रहे हैं संसाधनों का हवाला दे रहे हैं, मेरी बात संसाधनों का पैसों तो का हवाला दे रहे हैं, मतलब नहीं है सुचरिता जी सर, इतनी देर तो आपने बोला, अब आप कह रहे हैं सुन लीजिए, खान साहब सुन लीजिए, ठीक है सुचरिता जी, आपको भी पता है कि दिल्ली अगर इतनी बड़ी और सुंदर शहर है तो उसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि दिल्ली को ओवरफिड इसलिए किया गया, दिल्ली हमारी ताज है,
पूरे भारत वर्ष की ताज है, इस पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, कोई उसका नुमाइंदा नहीं बोल सकता उसका है, एक भी अस्पताल नहीं बोल सकता। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, आपका जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ बात कर सकता है, अराजकता फैला सकता है, उसको कार्य करना नहीं आता। अगर कार्य करना आता तो दिल्ली के लोग मर नहीं रहे होते। दिल्ली में कोरोना का जो वायरस आपने फैलाया है इतने बुरी तरह से, लोग आपसे बहुत खफा हैं।